नमस्कार, मैं रोहित बिश्नोई अग्रगामी आर्ट स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ। ये दुनिया जो रंगमंच की है बहुत सुनहरी है और हमें आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। और जो है, मुझे ये खुशी है कि मैं इस रंगमंच में हूँ और इसी में, इस दौर में चलता जा रहा हूँ। हम नाटक के दौर में भी आए, अब हम फिल्में भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो मेरी सबसे बड़ी दुनिया अगर यह है तो ये रंगमंच है और मैं इस पर हूं और काम कर रहा हूं। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि इस पे आपका आना कैसे हुआ, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? हमारे पापा जो अभी नहीं है, वो सेंट्रल एक्साइज में एम्प्लॉय थे, सरकारी में थे। वहां से हम नागपुर से हम यहाँ आए, बहुत छोटा था मैं। और फिर पढ़ाई मेरी चलती गई, साथ साथ में मैं जॉब करते रहा। कुछ टाइम में ऐसा लगता था पढ़ाई के साथ साथ कि ये एक्टिंग, जब मैं छत्तीसगढ़ की फिल्मों के पोस्टर देखा करता था तो मुझे ऐसा लगता, जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना एक्टिंग किया जाए और हीरो बनकर आए। पर वो आसान नहीं नजर आया। जब मैंने ऑडिशन दिया, यहाँ के छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर ऑडिशन ले रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि आसान नहीं होता है। फिर बहुत ही बड़े दिग्गज रंगकर्मी हैं राजकुमार नायक जी, वो भोपाल में रहा करते थे। उनसे कांटेक्ट होने के बाद मेरे जो गुरु हैं जलील रिजवी जी, मैं उनके साथ काम करता रहा, सीखता रहा और आगे हम ड्रामा करते रहे। हमारा अग्रगामी का आर्ट स्टूडियो का जो सिविल लाइन में जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ ट्रेनिंग हुआ करती है। स्टूडेंट ट्रेन होते हैं फिल्मों के लिए भी और थिएटर के लिए भी। तो इस तरीके से रंगमंच का सफर मैं आगे बढ़ाता जा और काफी संघर्ष भरा रहा। अभी खुशी बात यह है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और युवा रंगकर्मियों के साथ, कलाकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ के कलाकार भी हैं, भोजपुरी के भी हैं, तो मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि रंगमंच के साथ आप शॉर्ट फिल्मों भी फिल्मों में आ चुके हैं, क्योंकि ओटीटी ने एक संजीवनी दी है कलाकारों को, तो आप क्या सोचते हैं ओटीटी का क्या नजरिया है आपका? मैंने अपने ही कलाकारों को बहुत साल पहले ये कहा था कि आपको अपने शहर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आया है। और जैसे आगे भी ऑडिशन आया मेरे पास, न्यूटन का आया, और हम एक बहुत बड़ी फिल्म भी कर रहे हैं अभी, प्रवीण मोछल्ले जो मुंबई से हैं, रणवीर शोरी जी उसमें, भगवान तिवारी जी, ये बड़े आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे हैं। यहीं रायपुर में मेरे ही स्टूडियो में ऑडिशन हुआ, हमारे रंगकर मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ के 15 कलाकार उसमें फिल्म में काम कर रहे हैं। तो ओटीटी का ये माध्यम ये है कि हम ये सोचते थे कि सिर्फ मुंबई का सफर ही काफी होता है, पर मैंने इसको नकारा है। मैं भी जा सकता था और पर मैंने नहीं गया। मैं ये सोचता हूँ कि यहीं रहकर आप ओटीटी के लिए अपने बैनर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि समय बदला है और ओटीटी यूट्यूब ऐसा माध्यम हो चुका है कि आप अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अपना नाम और आप पैसे कमा सकते हो। एक सवाल आपके चेहरे को लेकर है, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल नितिन मुकेश से मिलता जुलता है, इस पर क्या लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहता है? मुस्कुरा देता हूँ बस। काफी सुनने मिलता है और उसके बाद फिर आईने में देखता हूँ कि वाकई में है या नहीं है जी, तो वो जवाब नहीं मिला मुझे, पर खुश हो जाता हूँ बस। एक्टिंग के क्षेत्र में जो बच्चे आना चाहते हैं खासकर रायपुर के, एक दो ऐसा टिप्स दीजिए जो बहुत जरूरी मानते हैं आप। देखिए, मेरा सबसे ये है कि आर्टिस्टों को मैं ये बोलता हूँ कि आप ऑब्जर्व करें अपने ही आसपास के कैरेक्टरों को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इतना पढ़िए कि आपकी जो कल्पना शक्ति होती है वो आपको इतना स्ट्रांग करना होता है कि आप हर कैरेक्टर आप जी सकते हैं, उस पर वर्क करने में बहुत ईजी होता है। जैसे रोहित जी ने कहा कि बहुत पढ़िए, तो इनके यहाँ छोटी सी मिनी से लाइब्रेरी है, देखिए क्या क्या कौन कौन सी किताबें यहाँ पर पढ़ी हुई, ये साबित होता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रोहित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमसे बात की और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।